में प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस समय ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग रहा है, ठीक ठाक इस स्टॉक ने ट्रेंड दिखाए हैं। इस स्टॉक में क्वेरी ये आ रहा है, क्या सर हिंडनबर्ग ने जो सेबी पे एलिगेशन लगाए हैं उसका इम्पैक्ट क्या अडानी विल्मार पे भी देखने को मिलेगा? तो मेरे क्या व्यूज हैं उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। मार्केट साइंटिस्ट पे हमने इन डेप्थ एनालिसिस करा है, उसको जाकर के वॉच आउट करें। यहाँ देखेंगे ग्लोबल बाजार ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सेबी के ऊपर एलिगेशन आया है तो थोड़ा बहुत बाजार करेक्शन मोड में दिख सकता है, और जब पूरा बाजार ही करेक्ट होगा तो अडानी विल्मार भी दिख सकता है, लेकिन वो डीप एक अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक को लॉन्ग करने के लिए। यहाँ एक खबर देखेंगे कि अडानी विल्मार लाइकली टू पिक बैंक्स फॉर सेल ऑफ स्टेक इन ज्वाइंट वेंचर। अडानी जो है अडानी विल्मार से अपना स्टेक बेचना चाह रही है, जिसके लिए बैंक जो है वो पिक कर सकता है। ये एक दो वीक पुरानी न्यूज है, ये बिल्कुल अभी की न्यूज नहीं है और इसको बिल्कुल बहुत सीरियस नहीं लेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस एंड विल्मार इंटरनेशनल लिमिटेड हैव सेलेक्टेड बैंक टू हेल्प विद द सेल ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन देयर कंज्यूमर ज्वाइंट वेंचर। माइनॉरिटी स्टेक ही सेल करेगी, बहुत ज्यादा सेल नहीं होगा, उसको लेकर के खबर है। इंडिविजुअल कुछ बड़े अपडेट नहीं है, यहाँ देखेंगे सभी कॉमनली अपडेट ही दिख रहा है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन जो 7200 करोड़ वाला था वो ऑलरेडी डिस्कस है। ट्रेंड देखेंगे आउट परफॉर्मर है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, ग्लोबल मार्केट फ्लैट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सेबी के जिस प्रकार से एलिगेशन लगे हैं थोड़ा कंसर्न तो बनता है। यहाँ देखेंगे एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज के कारण जो डीप आएगी वो अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक में फॉर टारगेट ऑफ 500+ तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म लेवल के लिए। बिल्कुल पैनिक नहीं करें, इन वो सिनेरियो भी आई डोंट थिंक सो कि 316 को तोड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स बेटर रहा था। थोड़े बहुत डीप जो है 330 350 जैसा इन वो सिनेरियो में दिख सकता है।